हेलो फ्रेंड्स, सावन का महीना चल रहा है और अगर हम घेवर नहीं खाए तो क्या सावन। तो चलिए आज मैं बना रही हूँ घेवर। तो उसके लिए हमें मैदा चाहिए। ये मैंने हाफ कप मैदा ली है। सजाने के लिए केसर और पिस्ता लिया है और थोड़े से आइस क्यूब लिया हुआ है, देसी घी मेल्टेड लिया है, हाफ कप दूध लिया है और 1/4 कप ठंडा पानी लिया है। याद रखिएगा, इसमें जो भी पानी का यूज होगा ठंडा पानी, और 2 कप ठंडा पानी हमको बाद में और यूज करना है। तो सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं, क्योंकि घेवर आप जानते हैं मीठा होता है, क्योंकि जब तक इधर चाशनी बनेगी हमारा घेवर रेडी होगा। तो हमने उसके लिए ये चाशनी जो बनेगी बिल्कुल रसगुल्ले जैसी चाशनी बनेगी, एक तार की चाशनी बनेगी। इसके लिए मैंने 1/2 कप चीनी लिया है और आधे से थोड़ा कप पानी लिया है और अब हम इसको चाशनी बना रहे हैं। ये इधर साइड में चाशनी अपना बनती रहेगी, एक तार की चाशनी बनानी है। और आइए अब हम घेवर का जो घोल होता है वो हम रेडी करते हैं। हम सबसे पहले देसी घी को मिक्सी में डालेंगे और ये मेल्टेड है, और फिर उसके बाद थोड़े से हम आइस क्यूब लेंगे। आइस क्यूब लेके और थोड़ा सा जो मैंने बताया था 1/4 ठंडा पानी भी डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। तो चलिए हम ग्राइंड करते हैं। मैं इसको हल्के हल्के चलाऊंगी, एक साथ चलाऊंगी। मेरा ये दूध और पानी और घी का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब मैं इसमें मैदा डालूंगी, और पूरा मैदा नहीं डालना है, हमको थोड़ी थोड़ा करके मैदा डालना है। तो मैंने इसमें मैदा डाला हुआ है और ठंडा पानी हम इसमें डालेंगे और फिर मिक्सी में चलाएंगे। तो मैं इसमें ठंडा पानी डाल रही हूँ और अच्छे से मिक्सी में चलाऊंगी। फिर थोड़ा सा मैदा डालूंगी और फिर थोड़ा ठंडा पानी डालूंगी। इस तरीके से हमें 3-4 बार ये प्रोसेस करना है और अच्छे से मिक्स करना है। मेरी यहाँ पे ये चाशनी रेडी हो गई है। ये देखिए, एक तार की चाशनी बन रही है। अब तो ये रेडी है हमारी। और अगर आपको चाशनी बनानी नहीं आती है तो मैंने अपने पहले एक वीडियो में चाशनी बनानी बताई है। तो ये एक तार की चाशनी बनेगी। और अब मैं बैटर में आती हूँ। ये देखिए मेरा बैटर। आपको मैं एक बात और बताना चाह रही हूँ कि जब हम घी और पानी को मिक्स करते हैं तो हल्के हल्के मिक्सी को चलाएंगे, एक साथ नहीं चलाएंगे, नहीं तो उसमें बटर निकल आएगा। और इसमें मैंने हल्के हल्के करके ही मैदा ठंडा पानी को मिक्स किया है। तो ये मेरा देखिए बैटर रेडी है। और अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारा जो घेवर है वो क्रिस्पी बने। नींबू का रस हम क्रिस्पीनेस लाने के लिए करते हैं। इसको अच्छे से प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। मेरा ये बैटर रेडी है। और अब मैंने इधर कढ़ाई में घी डाल लिया है, और मैं थोड़ा छोटा घेवर बनाना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने इस साइज का लिया हुआ है मोल्ड, जिसको इसके अंदर रखेंगे और छोटा घेवर बनाएंगे। अगर आपको बड़ा घेवर बनाना है तो आप डायरेक्ट घोल को इसी में ही कढ़ाई में भी डाल सकते हैं, बट मुझे छोटा बनाना है तो मैंने इतना छोटा साइज लिया है। और अब हम इसको इसके अंदर रख देंगे। हमने इस ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म कर लिया है और अब हम इस चम्मच के थ्रू डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे। ये देखिए कैसे हमारा बैटर स्कैटर हो रहा है, और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे फिर धार के थ्रू डालेंगे हम। और जब ये हमारा स्कैटर होना बंद हो जाए, इसकी आवाज बंद हो जाए, तो हम फिर से इसको डालेंगे इस तरीके से। ये देखिए, और अब हम
चाहे स्पून चाहे नाइफ के थ्रू इसमें गोल गोल बीच से स्पेस बनाएंगे। अभी हम थोड़ा सा होने देते हैं इसको, और तेल हमारा बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए, ये बात आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। और मैं फिर से बता रही हूँ कि आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे एक्चुअली एक छोटा ग्रेवर चाहिए था तो इसलिए मैंने मोल्ड का यूज करा हुआ है। तो अब ये हो रहा है, देखिए अभी जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो मैं बीच में इसमें छेद बनाऊंगी। इसको पकने में हमको कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे, तो ये देखिए अभी हमारा पका नहीं है, और तब तक हम धीरे धीरे इसमें स्पून के थ्रू या जो भी नाइफ के थ्रू इसमें होल बना रहे हैं, तो इसको पकने में 5 मिनट तो लगते ही लगते हैं। देखिए मैं इसको होल बना रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है पकने में। और ये देखिए अब साइड से ये हट रहा है, थोड़ा सा बस पकने के लिए एक साइड से हमारा पका है, अभी ऊपर से नहीं पका है। देखिए हमारा ये घेवर रेडी है, अब हम इसको किसी के जो भी चाहे आप किसी के भी थ्रू निकालेंगे इसको, और थोड़ा सा जो घी है घी को हम जितना भी है थोड़ा सा हटाएंगे इससे घेवर से, क्योंकि बहुत घी इसमें है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। और अब हम इसको प्लेट में रख देंगे। ये हमारे 2 घेवर रेडी हो गए हैं, एक बार मैं आपको और घेवर बना के दिखा रही हूँ। फिर मैं डालूंगी इसमें धीरे धीरे करके, हमारे इस हाफ बॉल में 5-6-7 अच्छे खासे बन जाएंगे घेवर। मैं और थोड़ा सा डाल रही हूँ, आपको अगर पतला चाहिए तो आप बैटर को थोड़ा सा कम डालिए, और बस तेज आंच में हम इसको पकाएंगे। मैं इसमें देखिए धीरे धीरे होल बना रही हूँ, अब ये बिल्कुल भी पका नहीं है, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि 5-10 मिनट तो लगते ही है, तो है पेशेंस। हमारा दूसरा घेवर भी रेडी है, बस इसको थोड़ा सा निकालने की ट्रिक होती है, आप डंडी से भी निकाल सकते हैं इसको। घेवर रेडी है, अब घेवर तो मीठा होता है, तो जो मैंने रात चाशनी डाली थी हम उसमें धीरे धीरे करके ऊपर से चाशनी डालेंगे। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो ज्यादा चाशनी डालिए, कम मीठा पसंद है तो आप अपने अकॉर्डिंगली कम चाशनी डालिए। तो ये मैं इसके ऊपर चाशनी डाल रही हूँ, ये दूसरे वाले में भी बहुत हल्के से सर्कल सर्कल करके एक आराम से। मैं इसमें थोड़ा सा, अब इसमें मैं पिस्ता से डेकोरेट करूंगी। हाँ जी, मैं मेरा ये घेवर रेडी है। मैं आपको एक और बात बताना चाह रही हूँ कि ये मेरा रेवड़ी घेवर नहीं है, जो रेवड़ी घेवर होता है उसको बहुत जल्दी कंज्यूम करना पड़ता है क्योंकि वो खराब हो जाता है, लेकिन हम इसको 10-15 दिन तक बहुत ही आराम से स्टोर करके रख सकते हैं।